नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। इस समय बड़ा ही दुखद मामला सामने आया है। पंजाब से गुगा मैडी दर्शनों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में श्रद्धालु सवार होकर गुगा मैडी जा रहे थे। गांव रायपुरिया के पास अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे पलटा यह समझ नहीं आया। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है, परंतु चार लोगों की मौत हो गई है, जिसमें तीन नौजवान और एक उम्र दराज बताया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली में औरतें व बच्चे भी सवार थे, उनको भी चोटें आई हैं। उन्हें उपचार के लिए चोपटा के अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। गंभीर रूप से घायलों को सिरसा के नागरिक अस्पताल में लाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। कुछ समय पहले हमारे रायपुरिया से अरविंद बैनीवाल कमलजीत का फ़ोन आया, भी एक ट्राली पलटकी है। तो उस समय पूरे गांव वालों ने, आस पड़ोस ने मिल के सभी ने जो एम्बुलेंस को फ़ोन किया, अपने अपने साधनों से जितने भी साथी वहां ट्राली पलटी, वो ट्राली जो कि श्रद्धालु थे उसमें, वो पातड़ा के पास अलग अलग जगह से थी। कोई एक कैथल का भी था, एक सहारनपुर से भी आगे के आगे, जैसे कोई यार दोस्त या ऐसे कई साथी थे। उसमें बच्चे भी थे, औरतें थीं, बुजुर्ग थे, हर उम्र के साथी थे उसमें। जो ट्राली जो जा रही थी पात्रा से चलकर जो गोगा मेड़ी जानी थी, तो अभी दो घंटे पहले जो ये घटना घटी है, रायपुरिया गांव के पास वो ट्राली पलट गई। किस कारण से पलटी वो अभी पता नहीं चला, लेकिन उसमें बहुत बुरी जो खबर है, उसमें हमारे चार जो श्रद्धालु थे उनकी कैजुअल्टी हो चुकी है, मौत की खबर है, जिसमें तीन तो 15 से 20 साल के थे, एक 55 से 60 साल की उम्र में थे। तो अब पहले सारे जितने भी घायल थे उनको चोपटा जो सामान्य अस्पताल है वहाँ भेजा गया, वहाँ से जो गंभीर घायल थे उनको सिरसा में लेकर आए हैं। सिरसा में अब तक 12 लोग आ चुके हैं और तीन या चार जने और रेफर हो जाएंगे, दूसरे जो वहाँ ठीक हैं। तो भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं, जो जितने हमारे श्रद्धालु हैं वो जो घायल हैं उनको जल्दी स्वस्थ करे परमात्मा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैजुअल्टी है, एक बहुत बड़ा हादसा है। तो यही कामना करते हैं भगवान से भी इनको जल्द से जल्द राजी करे। और ये बहुत बड़ी एक दुखद घटना है जो सिरसा ज़िले के चोपटा क्षेत्र के गांव रायपुरिया के पास हुई है। जो ये श्रद्धालु अभी जा रहे थे गोगा मेडिकल जा रहे थे, रास्ते में ट्राली पलटी। वजह समझ नहीं आई कि क्यों हुआ ये हादसा, कैसे हुआ सर, ये कुछ वजह समझ नहीं आई। नहीं, कोई जो है, कई बार क्या होता है, अभी आगे कोई खड्डा आ जाए या किसी ने ओवरटेक किया या कुछ किया, तो कई बार ट्राली ट्रैक्टर हम थोड़ा सा घुमाते हैं तो झोल मार जाती है। ये भगवान की इच्छा जैसे होती है, जो जो सो बिनत है परो आज के काल, जो जब तक भगवान ने प्राण लिखे तब तक ही प्राण चलते हैं, इसलिए वो उनकी लिखी वहाँ थी, तो वहाँ जाके उनकी ये कैजुअल्टी हुई। ये भगवान के सहारे जो भी कुछ है, कोई नहीं चाहता भी एक्सीडेंट हो जाए किसी तरह का, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों ने, गांव रायपुरिया के साथियों ने, वहाँ हमारी भारतीय किसान एकता के भी अरविंद बैनीवाल हमारा सचिव है, उन सारी टीम ने मिलकर जितने भी पड़ोस के साथी थे उन्होंने तुरंत जो जितने घायल थे उनको अब हॉस्पिटल में पहुँचाया। और उसके साथ ही हमारा जो सिविल हॉस्पिटल का अमला है, जो जितने भी साथी हैं एम्बुलेंस वाले हैं, सभी भाइयों ने मिलकर जितने साथी बचा सकते हैं उनको बचाया और अस्पताल तक पहुँचाया।